लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी किया परिवर्तन पत्र के नाम से संकल्प पत्र। आरजेडी के परिवर्तन पत्र में 24 बड़े वादे। आरजेडी ने परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। आरजेडी का पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का वादा। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दोपहर 3 बजे होगी बैठक। पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों पर होगी चर्चा। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गया से किया जीत का दावा। बोले पीएम मोदी को और मजबूत बनाएंगे। 14 अप्रैल को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। दलितों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश। 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी के कर्नाटक के मैसूर में जनसभा। बेंगलुरु में रोड शो भी करेंगे पीएम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी ने तेजस्वी के मछली वाले वीडियो पर साधा निशाना। बोले सावन और नवरात्र पर नॉनवेज खाने के वीडियो जारी करने के पीछे दिखती है विपक्ष की मंशा। उधमपुर की रैली में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। सावन में नॉनवेज खाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। पूछा सावन और नवरात्र में नॉनवेज का वीडियो डालकर किसे खुश करने की है कोशिश। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर दिया सकारात्मक संकेत। बैठक में कहा पारंपरिक सीट है, गंभीरता से विचार करूंगा। बिहार में प्रचार के लिए तेजस्वी यादव करेंगे आज ताबड़तोड़ जनसभाएं। पटना, गया, जमुई और मुंगेर में करेंगे चुनावी प्रचार। पीएम का विपक्षी गठबंधन पर देश की परमाणु ताकत खत्म करने की कोशिश का आरोप। कहा 2 परमाणु बम बनाने वाले देशों का पड़ोसी होने के बावजूद भारत की परमाणु ताकत खत्म करना चाहता है IIndia गठबंधन। संजय राउत ने पीएम मोदी को लेकर फिर से दिया विवादित बयान। कहा मोदी और शाह दोनों है विनाशकारी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। का ममता को जनता करेगी रिजेक्ट, बंगाल में खेलेगा कमल। पीएम मोदी ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा देश के लोगों का हक छीनने वालों के खिलाफ नहीं रुकेगी कार्रवाई। 10 सालों में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए जब्त किए। पीएम मोदी के देश के टॉप 7 ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात। गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। तेजस्वी यादव के मछली खाने वाले वीडियो पर आरजेडी का बीजेपी पर तंज। मृत्युंजय तिवारी ने कहा मछली खाने का वीडियो नवरात्र से पहले का है। बीजेपी नेताओं का IQ टेस्ट लिया था। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की। बोली वो साक्षात राम के चरित्र का अंश है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा पीएम के दिमाग में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को अलग करना है। कंगना रनौत ने फिर साधा विक्रमादित्य पर निशाना। बोली अपने छोटे भाई को छोटा पप्पू, राजा बाबू बोला तो क्या अभद्रता की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की कंगना रनौत की शिकायत। कंगना ने की थी विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ टिप्पणी। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला। का एक तरफ सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता के विचार है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विचार है। News18 India पर RLD राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान। इंडिया गठबंधन कहीं कोई चुनौती नहीं है। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने RJD से दिया इस्तीफा। RJD पर मुसलमानों का हक मारने का आरोप लगाते हुए अशफाक करीम ने पार्टी छोड़ी। TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में रैली के दौरान पीएम मोदी पर बोला हमला। का बीजेपी का एजेंडा है ना घर बनाऊंगा ना बनाने दूंगा। तमिलनाडु के कोयंबटूर में चुनाव प्रचार के दौरान एक मिठाई की दुकान में पहुंचे राहुल गांधी। लोगों से बातचीत के साथ ही राहुल गांधी ने मिठाई भी खाई। मध्य प्रदेश के मालवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने MIM असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा हैदराबाद में मुसलमानों को खुलकर भड़काते हैं ओवैसी। लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच पर रो पड़े। लालू और तेजस्वी पर भी साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुई मुलाकात। जमानत पर बाहर आने के बाद संजय सिंह की पहली INDIA अलायंस पार्टी के साथ हुई बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा। का बीता 10 साल विकास का रहा, 10 साल भारत को अग्रणी देश के रूप में आगे बढ़ते देखा। गृहमंत्री अमित शाह का तमिलनाडु दौरा। कन्याकुमारी में रोड शो करेंगे गृहमंत्री। राजस्थान और यूपी में अमित शाह करेंगे चुनावी प्रचार। राजस्थान के कैरथल में शाम 4 बजे और 6 बजे नोएडा में होगी गृहमंत्री की रैली। यूपी के बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी रैली। हल्द्वानी और बरेली में भी होगी जनसभा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड में चुनावी अभियान। रामनगर, रुड़की, हरिद्वार में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु के मदुरे से अमित शाह ने AIADMK और DMK पर बड़ा हमला। बोला का राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण तमिलनाडु का उतना विकास नहीं हो पाया जितनी संभावनाएं हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से माफिया पर किया कड़ा प्रहार। बोले कड़ी सुरक्षा, कोई सुरक्षा पर खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तय कर दिया जाएगा, उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा हमारे दिमाग में हिंदू मुस्लिम नहीं होता, कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ एक ही जाति होती है।
कांग्रेस नेता अजय राय का स्मृति ईरानी पर कटाक्ष, बोले स्मृति ईरानी की बातचीत का स्तर गिरता जा रहा है। बीजेपी ने सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद की चुनाव आयोग से की शिकायत, इमरान मसूद पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की। मुंबई में उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने की लोकल ट्रेन से यात्रा, बोईसर से बांद्रा तक यात्रा की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, का कांग्रेस आदिवासी और महिलाओं का अपमान करती है। 4 जून को काउंटिंग डे पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे, 1200 से ज्यादा रिपोर्टर के साथ देखे देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 इंडिया पर। भोपाल के अलीगंज हैदरी मस्जिद में हर घर मोदी, घर घर मोदी के लगे नारे, बोहरा समाज ने पीएम और भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा के पोस्टर लहराए। बिहार के नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया रोड शो, बोले पूरा बिहार हमारा परिवार, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले देश का मुद्दा राम मंदिर और धारा 370 नहीं बल्कि महंगाई और बेरोजगारी है, मुद्दों से भटका रही है बीजेपी। बिहार की सिवान सीट को लेकर आरजेडी में मुश्किल, शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहेब और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के बीच फंसापेच। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, का बीजेपी भविष्य 2047 तक, समाजवादी पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं। महाराष्ट्र के बारामती से सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतरी सुनेत्रा पवार का बयान, बोली ये परिवार की लड़ाई नहीं, ये अलग अलग विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के सिवनी पहुंचे सीएम मोहन यादव का स्वागत, कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य से किया स्वागत। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी आतंकियों ने छिपने के लिए फर्जी आधार कार्ड का किया था इस्तेमाल, हिंदू नामों से बनवाए थे फर्जी आधार कार्ड। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन, 2 फरार आरोपियों को कोलकाता के पास से गिरफ्तार किया, बीजेपी ने बंगाल सरकार पर उठाए सवाल। आरोपियों को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया, एनआईए के मुताबिक कोलकाता के पास एक लॉन्च में छिपे थे दोनों आतंकवादी। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य ने एनआईए की बड़ी कामयाबी बताई, गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया। रामनवमी पर रामलला के सूरज की किरणों से अभिषेक का हुआ सफल परीक्षण, वैज्ञानिकों ने दर्पण के जरिए रामलला के मस्तक के सूर्य तिलक का ट्रायल किया। दिल्ली के सीलमपुर में एक लड़के को सरेआम मारी गई गोली, लड़के को अस्पताल में कराया गया भर्ती, फायरिंग का आरोपी फिलहाल फरार। राउज एवेनी कोर्ट ने की कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में भेजने के आदेश दिए, सीबीआई ने की कविता की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को भगवंत मान जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकेंगे, 15 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है। कोलकाता में ईडी ने राशन घोटाले में की बड़ी कार्रवाई, टीएमसी के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक की संपत्ति कुर्क, करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। खालिस्तान समर्थकों और आतंकियों से गठजोड़ वालों पर एनआईए का बड़ा शिकंजा, पंजाब में नामित आतंकवादी रमनदीप सिंह उर्फ रमन की अचल संपत्ति जब्त की गई। दिल्ली एयरपोर्ट से केजीएफ यानी कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का आतंकी प्रबरीत सिंह गिरफ्तार किया गया, जर्मनी से आतंकियों की भर्ती और सहायता करने का मॉड्यूल चला रहा था। स्कूल बसों को लेकर गुरुग्राम प्रशासन का बड़ा एक्शन, 45 बसों की जांच, 16 बसों का किया गया चालान। पीएम मोदी ने 5वें नवरात्र पर सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दी, लिखा देवी स्कंद माता से प्रार्थना है कि वो देश के मेरे सभी परिवार वालों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। पीएम मोदी ने देशवासियों को बैसाखी के पर्व की भी दी शुभकामनाएं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा बैसाखी की लख लख बधाई। बैसाखी के मौके पर दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में उमड़े श्रद्धालु, पावन पर्व के मौके पर गुरुद्वारे में की प्रार्थना। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या पर जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, मार्च में खुदरा महंगाई घटकर हुई 4.85%, खाद्य महंगाई दर 8.66% से घटकर 8.52% हुई, शहरी महंगाई दर 4.78% से घटकर 4.14% हुई, ग्रामीण महंगाई दर 5.34% से बढ़कर 5.45% हुई, वहीं सब्जियों की महंगाई दर 30.25% से घटकर 28.34%। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में युवक के सिर में मारी गई गोली, युवक की हालत नाजुक, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू के हाथ लगे अहम सुराग, 3 आरोपियों को एसीबी ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करने का वीडियो आया सामने, मोबाइल फोन किताबें नोट्स रखकर परीक्षा देते हुए नजर आए छात्र। राजस्थान कुशलगढ़ में होटल में खाना देरी से देने पर मैनेजर और के साथ मारपीट, पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड। जम्मू शहर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की 2 लोगों ने की पूरी तरह से पिटाई, ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को सही जगह पार्क करने को कहा था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बड़ा भालू का आतंक, इलाके के एक शिव मंदिर में भालू ने डाला डेरा। मध्य प्रदेश के मुरैना में कॉलेज की बदहाली की तस्वीर आई सामने, बिल्डिंग न होने से टेंट के नीचे परीक्षा देने को मजबूर हुए छात्र। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा, धनघटा थाने में पहुंची बुजुर्ग,
फरियादी को ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने दी गाली। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा में एक कनीना स्कूल हादसे से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बस खेड़ी गांव में पहुंची तो ड्राइवर के चार दोस्त भी बस में हुए थे सवार। यूपी के अमरोहा में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने तीन लोगों पर हथियार से किया हमला, एक युवक की हालत गंभीर। विदेश मंत्री अजय शंकर ने चीन से सटी सीमा पर बुनियादी ढांचे की जरूरत पर दिया जोर, कहा मोदी सरकार के दौरान चीन से सटे बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट चार गुना बढ़ाया गया। विदेश मंत्री अजय शंकर ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, का 1962 की जंग से सबक लेना चाहिए था, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए था। एस जयशंकर ने कहा कि चीन की नीतियों से परेशान होकर सरदार पटेल ने 1950 में नेहरू को चिट्ठी लिखकर आगाह किया था, लेकिन वो माने नहीं। एस जयशंकर का आतंकवाद पर कड़ा प्रहार, का किसी भी स्थिति में आतंकवाद स्वीकार्य नहीं, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। ईरान और इसराइल तनाव के बीच तुर्की का ऐलान, ईरान के खिलाफ उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अमेरिका। इसराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने इसराइल के तट पर भेजा अपना एडवांस युद्ध पोत, युद्ध के दौरान इसराइल को मिलेगी मदद। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, कहा हम इसराइल की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। लेबनान का इसराइल पर हमला, लगभग 40 रॉकेट दागे गए, इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को ही हवा में नष्ट कर दिया। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध की आशंका, विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी, भारतीयों को ईरान और इसराइल न जाने का सुझाव। दोनों देशों में मौजूद भारतीयों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह, सावधानी बरतने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कम मूवमेंट करने का सुझाव। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच फ्रांस ने जारी की एडवाइजरी, अपने नागरिकों को इसराइल, ईरान और लेबनान से दूर रहने को कहा। युद्ध की आशंका के चलते ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत इसराइल छोड़ने के आदेश दिए। अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी दी, इसराइल में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोका। इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू की डिफेंस चीफ से होगी मुलाकात, ईरान के खतरे पर करेंगे बातचीत। ईरान के हमले से निपटने के लिए इसराइल की तैयारियां हुई तेज, ईरान के हमला करने में हालात में इजरायली सेना और मोसाद जवाबी तैयारी में जुटे। गाजा के वेस्ट बैंक में इसराइल के हमले में फिलिस्तीन के दो नागरिकों की मौत का दावा, हमले के विरोध में निकाली गई ये रैली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हो सकती है अवमानना की कार्रवाई, कोर्ट की बातें नहीं मानने का आरोप। यूक्रेन में रेस्क्यू टीम ने आग से कुत्ते के 5 बच्चों का रेस्क्यू किया, रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया गया। इराक के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर एक साल बाद स्वदेश लौटे ईसाई समुदाय के धार्मिक नेता, चर्च में गर्मजोशी से किया गया उनका स्वागत। अमेरिका के टेक्सास में इमारत से टकराया ट्रक, एक की मौत, कई लोग घायल। और थाईलैंड की सीमा पर बसे एक शहर में गुरिला लड़ाकों का कब्जा, विदेश मंत्री ने म्यांमार की सेना से शांति बरतने की अपील की।